भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सब धनवार विधायक बाबूलाल मरांडी शुक्रवार को अपने विधानसभा क्षेत्र के गांवा प्रखंड के बीरने पहुंचे। उन्होंने बीते 17 मई को अवैध माइका खदान के चाल धसने से हुए दो महिलाओं की मौत पर शोकाकुल परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने परिजनों को ढांढस बंधाते हुए आर्थिक सहयोग भी किया। मौके पर विधायक श्री मरांडी ने कहा कि इस दुख की घड़ी में हम सभी पीड़ित परिवार के साथ हैं। वहीं खदान हादसे में घायल किशोरी को बेहतर इलाज के लिए रांची स्थित रिम्स भेजने की बात कही। विदित हो कि 17 मई को गांवा में अवैध माइका खनन के दौरान चाल धसने से गांवा थाना क्षेत्र के बिरने निवासी स्वर्गीय सुखदेव रविदास की पत्नी टुनी देवी सहित बिहार की एक महिला की मौत हो गई। मृतका टुनी देवी के 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। हादसे में मां की गुजर जाने के बाद बच्चों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। पिता का निधन कुछ साल पूर्व ही किसी बीमारी से हो गई थी। पार्श्वनाथ ITI भारत सरकार के NCVT द्वारा मान्यता प्राप्त भगवान पार्श्वनाथ की धरती गिरिडीह शहर के बक्सीडी रोड में वर्ष 2017 से संचालित है पार्श्वनाथ ITI। संस्थान का उद्देश्य स्थानीय युवाओं को कौशल व तकनीकी शिक्षा प्रदान कर गिरिडीह सहित झारखंड व देश की बढ़ती औद्योगिक इकाइयों को कुशल कामगार उपलब्ध कराना है। तो जल्द नामांकन कराएं आप अपने शहर के पहले ITI पार्श्वनाथ ITI में। भारत सरकार के NCVT द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार अनुभवी फैकल्टी द्वारा इलेक्ट्रीशियन व फिटर का बेहतर प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि युवक युवतियां नियोजन या स्वनियोजन के अवसर प्राप्त कर सकें। हमारा पता पार्श्वनाथ ITI बक्सीडी रोड नियर गिरिडीह बस स्टैंड गिरिडीह झारखंड। एडमिशन इज गोइंग ऑन।